हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। तो मेरे बच्चे, कल आपका मैथ्स का एग्ज़ाम है, तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, मुझ पे विश्वास रखो, मुझसे ज़्यादा अपने आप पे विश्वास रखो। आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है। लास्ट मोमेंट पे जो आपको एक स्ट्रेस सा होता है ना कि पता नहीं एग्ज़ाम कैसा आएगा, टेंशन होती है या फिर कुछ डाउट्स और क्रिएट हो जाते हैं माइंड में, सर ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा, सर वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा। तो ऐसे इन डाउट्स की वजह से कोई भी अगर आपको टेंशन हो रही है तो बच्चे टेंशन मत लें, एकदम रिलैक्स रहें। आपका कल एग्ज़ाम बहुत बढ़िया होने वाला है। पेपर इजी आएगा, कोई टफ नहीं आएगा। आप सेकंड टाइम अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हो। फर्स्ट आप टर्म वन में भी अपेयर हुए हो, आपको भी तब थोड़ा सा डर था मन में, पता नहीं कैसे MCQs आएंगे, हमें हमसे सॉल्व होंगे या नहीं होंगे, है ना। बहुत आपने प्रिपरेशन किया, जहाँ से जो MCQ मिला आपने पूरा उसको प्रैक्टिस अच्छे से किया। ऐसे आपने टर्म टू के लिए भी अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा है। ये टर्म टू आपका सब्जेक्टिव है, आपको मैंने 10 सैम्पल पेपर दिए हैं, सारे सैम्पल पेपर आपने सॉल्व कर लिए हैं, एंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन NCERT के मैंने बोले थे वो भी आपने कर लिए हैं। तो इसलिए अभी आप कोई भी किसी भी तरह की टेंशन माइंड में मत रखो, आपकी प्रिपरेशन एकदम टॉप क्लास की है। पेपर बहुत इजी, मतलब ऐसा कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे। हर एक क्वेश्चन 14 के 14 क्वेश्चन आपको आते होंगे, जो इंटरनल चॉइस है सेक्शन ए में, बी में, सी में, इंटरनल चॉइस वाले क्वेश्चन भी आपको आ रहे होंगे। ठीक है, आपके पास चॉइस तो है ही है, जो मर्जी करो। तो आपको 14 ही करने हैं, तो 14 क्वेश्चंस एकदम आप नीट एंड क्लीन टॉप क्लास करके आओगे, ये मेरा विश्वास है और अपने आप पे भी आपने ये विश्वास रखना है। ठीक है, अब कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके एग्जाम के बारे में, ध्यान से सुनो। सबसे पहले पेपर में जो आपको लिखना है, प्रेजेंटेशन देनी है, वो कैसी होनी चाहिए। तो बच्चे का मेरे को मैसेज आया था, सर प्रेजेंटेशन पे थोड़ा वीडियो बना दो। मेरे बच्चे, मैं इस प्रेजेंटेशन पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जो हमने प्री बोर्ड कंडक्ट किए थे स्टूडेंट्स के। तो एक बच्चे का मैंने पेपर शेयर किया था, आंसर शीट शेयर की थी कि किस तरह से हमें एग्जाम में लिखना चाहिए और किन सिली मिस्टेक से हमें बचना चाहिए। उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको आप देख लो। सिली मिस्टेक जरूर देखना कि बच्चा क्या करता है उसमें, ठीक है। 2-3 है, कई बार जो है बच्चा 5 लिख देता है, जबकि 2-3 है 6 होता है, या फिर माइनस की जगह प्लस लिख देते हैं, है ना। ऐसी सिली मिस्टेक से बचना है, वो मैंने वीडियो में बता रखा है, ठीक है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा अभी चाहे। सेकंड, जब भी आप जो आपका रीडिंग टाइम होगा मैथ्स में, जो रीडिंग टाइम आपको मिलेंगे 15 मिनट्स, उस रीडिंग टाइम में सबसे पहले आपको आपका केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उनको रीड करना है। कई बार क्या होता है, जो केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो लैंग्वेज लिखी होती है बच्चे को वो समझ नहीं आती एक बार रीड करने से। आपको सबसे पहले रीडिंग टाइम में केस बेस्ड क्वेश्चन को रीड करना है और उसको उसी टाइम पे अंडरस्टैंड कर लेना है, क्योंकि वो क्वेश्चन टाइम खाता है अगर लैंग्वेज थोड़ी सी गड़बड़ हुई उस स्टेटमेंट की, उस क्वेश्चन की। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी केस बेस्ड क्वेश्चन, उसको आराम से रीड करो। अगर एक बार रीड करने से वो समझ में नहीं आती उसकी लैंग्वेज, को बार बार रीड करो। अगर 15 मिनट सिर्फ केस बेस्ड पे लग जाते हैं ना, तो मेरी तरफ से लगाओ भाई 15 मिनट्स। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता रीडिंग वाला कि एक बार पढ़ने से ना समझ में आए, आराम से समझ में आएगा। केस बेस्ड रीड करने के बाद अगर आपका टाइम बच रहा है, ऑफ कोर्स बच जाएगा, तो आप वो क्वेश्चन रीड करना जो वर्ड प्रॉब्लम होंगी। जैसे अगर कोई क्वाड्रेटिक की वर्ड प्रॉब्लम आ रखी है उसको रीड करना, AP का कोई वर्ड प्रॉब्लम आ रखी है nth टर्म से रिलेटेड उसको रीड करना, यानी स्टेटमेंट वाले सम पहले रीड करने आपको आपके क्वेश्चन पेपर पर, जो आपका रीडिंग टाइम होगा। बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दैट, वो सब उसी टाइम भी हो जाता है। समझ आ गया, रीडिंग टाइम में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सबसे पहले आपको रीड करने, राइट। सेकंड, जैसे आपका राइटिंग टाइम स्टार्ट होगा तो आपको सबसे पहले कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन सी सेक्शन करनी है। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी पहले भी बताया था, ऐसा फिक्स नहीं होता कि आपको किस सेक्शन से स्टार्ट करना चाहिए पेपर। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, और मैं बच्चों को हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ, जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे से आ रहे हैं सबसे पहले आप उन्हीं क्वेश्चंस को करो, चाहे वो किसी भी सेक्शन के हों।
बस आपको क्वेश्चन नंबर वही लिखना होता है जो क्वेश्चन पेपर पे होता है। आपको सेक्शन बी का लेटर सपोज आपको सेवंथ क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है तो पहले आप सेवंथ करो। आपको सेक्शन सी का ट्वेल्थ क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है आप पहले ट्वेल्थ क्वेश्चन करो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। सेक्शन ऊपर लिख देनी है, नीचे क्वेश्चन नंबर लिख देना है और वो क्वेश्चन आपने पहले करना है जो आपको अच्छे से आता है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए हमें सेक्शन कौन सी पहले करनी चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं अगर आप पहले उनको करना स्टार्ट करोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ यार मेरा तो पेपर इतना लगभग हो गया। तो जो क्वेश्चन हमें कुछ कम आ रहे होंगे कॉन्फिडेंस से वो भी आना स्टार्ट हो जाते हैं उस वक्त। लेकिन अगर आप पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे जिसमें आपको डाउट लग रहा है ये पता नहीं सॉल्व होगा या नहीं होगा, यार अगर सॉल्व नहीं हुआ तो कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो जाता है और जो आ रहे होते हैं वो भी भूल रहे होते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो अच्छे से आते होंगे। डन, ये तो हो गया प्रेजेंटेशन की बात प्लस हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। नाउ द नेक्स्ट, अगर आप 2 आवर्स से पहले ही पेपर आप फिनिश कर लोगे, मैं जानता हूं आप 1.5 घंटे में अपना पेपर निपटा दोगे, 14 क्वेश्चंस बड़े आराम से हो जाते हैं 2 घंटे में, तो आप 1.5 घंटे में निपटा दोगे। जो आपका टाइम बचेगा बच्चे रिवीजन जरूर एक बार अपने पेपर की करना आंसर शीट की, और कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आप आंसर्स निकाल रहे हो वो उसी वक्त चेक किए जा सकते हैं आंसर्स, तो रिवीजन टाइम पे उसको आप चेक कर लेना। लाइक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो और आपका आंसर निकाल दिया, आपने उसके रूट्स निकाले, आंसर 2-3 निकाल दिया, तो आंसर चेक किया जा सकता है उस क्वाड्रेटिक में पुट करके, उसको देखो सेटिस्फाई कर रहे हैं जीरोस के नहीं उसके, है ना। ऐसे और भी क्वेश्चन को आप चेक कर सकते हो। तो रिवीजन टाइम में जिन क्वेश्चन में आपको थोड़ा डाउट होता है या जिनके आंसर चेक किए जा सकते हैं उसी वक्त चेक कर लो, तो थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा मेरा कुछ एरर तो नहीं है, तो अगर एरर होगा तो उस टाइम पे आप उसको ठीक भी कर सकते हो। राइट, नाउ द नेक्स्ट, मेरे बच्चे अभी लास्ट मोमेंट पे आपको ज्यादा कुछ भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, कल आपका एग्जाम है। सबसे पहले तो आज अभी सो जाओ आप, 10-11 बजे तक आप सो जाओ, आराम से अपनी नींद पूरी करो 8-9 घंटे की, रिलैक्स माइंड से उठो। मॉर्निंग में आपने क्या करना है कि जो भी आपने फॉर्मुलों की लिस्ट बना रखी 7 चैप्टर्स में, अपने अपने उसके फॉर्मूले कॉन्सेप्ट्स हैं उनका आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे, लिस्ट बना रखी, अगर नहीं बना रखी तो अभी रात को बना के सो जाओ। जैसे स्टैट के मीन मीडियन मोड के फॉर्मूले, जो एम्पेरिकल रिलेशनशिप है वो वाला, ठीक है, जैसे सरफेस एरिया वॉल्यूम के फॉर्मूले, क्यूब कोन सिलेंडर जितने भी सॉलिड्स हैं उनके फॉर्मूले, फिर उसके क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो वाला, फिर एपी के एंथ टर्म का सम का फॉर्मूला, मतलब हर एक चैप्टर के जो फॉर्मूलों की लिस्ट है वो बना के रख लो। आई होप आपने बनाई होगी, अगर नहीं बनाई तो एक पेज पे बना के रख लो। मॉर्निंग में आपने बस उन फॉर्मूलों को रिवाइज करना है, ठीक है, ज्यादा कुछ अभी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। बहुत मन है प्रैक्टिस का, तो जो मैंने सैंपल पेपर आपके साथ शेयर किए हैं उन सैंपल पेपर को रिवाइज कर लो, बार बार उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, उसी टाइप के मिलने वाले हैं, ठीक है। और बच्चे स्टैट में मुझे एक बच्चे ने अभी डाउट भेजा था कि सर जो डिसकॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल्स होते हैं, डिसकॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल्स लाइक 10-20 होता है ना, फिर 20-30, तो वो हो गया कॉन्टिन्यूस। 10-20 होता है, अगर 20 नहीं होता, कई बार 21 लिखा होता है, तो उसको बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूस। बच्चे मेरे, क्वेश्चन आपका मीन का हो, मीडियन का हो या मोड का हो, इसको कॉन्टिन्यूस डेटा ही करना आपको। 0.5 कम करना है, 0.5 बढ़ाना है, वो आपको बता रखा है कैसे आप उसको इंक्रीज डिक्रीज करते हो, ठीक है। तो मोड और मीडियन में तो डेटा को कॉन्टिन्यूस करना ही करना है, क्लास इंटरवल्स को कॉन्टिन्यूस करना ही करना है, क्योंकि अगर आप उसको कॉन्टिन्यूस नहीं करोगे तो मोड में और मीडियन में आता है ना एल प्लस करके, तो एल आपका एग्जैक्ट लोअर लिमिट होता है, तो वो कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल का ही एल लेना होता है। इन शॉर्ट यार, अगर आप मीन का, मीडियन का, मोड का कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर वहां पर क्लास इंटरवल डिसकॉन्टिन्यूस है तो उनको आपने कॉन्टिन्यूस करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना इस बात का। बाकी यार और कोई चैप्टर में ऐसा कुछ खास है नहीं, किसी में आप फंसोगे तो मीन मीडियन मोड का आप खास ख्याल रखना, डेटा शुड बी कॉन्टिन्यूस, राइट। बाकी हर एक चैप्टर यार अभी आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, अपने आप पे विश्वास रखो, एक कॉन्फिडेंस बना के रखो, पेपर बहुत ईजी आने वाला है। जैसे आपका पेपर फिनिश होगा मैं पूरा पेपर आपके सामने पूरा सॉल्व करके आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा, और चेक करना आपके आंसर्स कैसे आप करके आए हो, ठीक है। तो लास्ट में मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, मैंने कोशिश की अपनी तरफ से आपको मैक्सिमम कॉन्सेप्ट सिखाने की, पूरा सिलेबस मैंने आपको पढ़ाया, लास्ट में 10 सैंपल पेपर आप तक पहुंचाए हैं। आई होप आपको उन सभी मेरे वीडियो से और मेरे सभी सैंपल पेपर से आपको जरूर फायदा हुआ होगा, और देखना कल का जो पेपर आपका बहुत अच्छा होगा, ठीक है, विश्वास रखो। और
रिलैक्स माइंड से आज आपने सो जाना है। तो एट लास्ट ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय एंड टेक केयर।